तो भाई ये रहा अपना बिगेस्ट गट्टू स्टेस। आ जाओ भाई बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है। और सभी का स्वागत है एक और काइट ब्लॉग में। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बिगेस्ट गट्टू स्टेस की, और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मंजे हैं। तो एक बार पहले नीचे रख देता हूँ भाई। ओह भाई, ये रहा अपना गट्टू स्टेस। खोल दें? खोल दो। तो भाई इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले। तो भाई ये रहा गाइस, ये रहा अपना गट्टू स्टेस। और मंजे कौन कौन से? मोनोफिल और जी मोनोकाइट मंजा है अपने पास। मोनोकाइट फाइटर है और जी हीरो प्लस है। और बाकी कौन से है? बस यही मंजे। तो अपने पास मोनोकाइट फाइटर स्टेस है, मोनोकाइट है, हीरो प्लस है और जी मोनोफिल भी है। तो आज इनको हम टेस्ट करने वाले हैं। और जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 90 के जल्दी जैसे जल्दी कराओ, गिव अवे होने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, अगर जिसको भी गिव अवे जीतना है। तो ये रहा भाई अपना छोटा सा गट्टू स्टेस। और कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट मंजा कौन सा है, मोनोकाइट फाइटर है, मोनोकाइट है, हीरो प्लस है या फिर मोनोफिल है। गिव अवे कर दे इसका, कर दो भाई। ये देखना गाइस, ये रहा भाई अपना गट्टू स्टेस। रखो भाई रखो। और पतंग भी अपने पास आ चुकी है ये रही। तो भाई आज पतंग उड़ाते हैं, बढ़िया हवा चल रही है। और भी चलते हैं और पेच करते हैं जरा। कौन सा मंजा निकाले आज जल्दी बताओ। ये देखना गाइस भाई, मोनोगाइड निकाल दे आज, मोनोगाइड। हाँ भाई निकाल दो ये वाला। किससे हाँ। उड़ाते हैं आज पतंग। और जी ये रही अपनी पतंग स्टेस। चलो हवा सही चल रही है ना आज। हाँ भैया जी अपनी पतंग उड़ चुकी है और हम यूज कर रहे हैं मोनोकाइट फाइटर। और ये कलर देखो भाई, एक नंबर मंजा है भाई ये वाला। और आपका फेवरेट मंजा कौन सा है जरा कमेंट में बताओ, काइट कटिंग के लिए और काइट फाइटिंग के लिए। और मेरा फेवरेट तो भाई मोनोकाइट फाइटर जिंदाबाद। और अपना छोटा सा मोनोकाइट फाइटर का गट्टू स्टेस देखो भाई, मेरा अपना मोनोकाइट फाइटर भाई। और अभी काइट फेस्टिवल आने वाले, जैसे लोहड़ी आने वाला है और मकर संक्रांति और बसंत पंचमी है। और आपकी क्या तैयारी चल रही है और आपका गट्टू स्टेस तैयार है या नहीं है वो कमेंट करके बताओ जरा। तो अभी पतंग को बढ़ा लेते हैं और फिर पेच करते हैं भाई। घमंडल हो रही है पतंग है ना, ढील ले दूं ऐसी घूम जा। फाइटर का वैसे तोड़ नहीं है भाई, अगर जिसको भी पेच करने आते हैं ना और उसके हाथ में मोनोकाइट फाइटर है भाई, पतंग कट ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल होती है। एक तो मोटा मंजा होता है और क्वालिटी एक नंबर होती है इसकी। कर दो भाई, घर में कर लेते हैं यार ये। काइपो अगर आप नीचे से खींच मार रहे हो ना तो एकदम पूरी जान लगा के सीधी को मार दो, मजा आ जाता है। मोनोकाइट फाइटर जिंदाबाद। पहला पेच हो गया है, अभी आप बस पेच गिनते रहना। मोनोकाइट फाइटर से मैं जो गट्टू स्टेस बनाने वाला हूँ ना भाई, बहुत तगड़ा बनाने वाला हूँ मोनोकाइट फाइटर का। अभी तुम देखना आने वाली वीडियो में मोनोकाइट फाइटर की गट्टू स्टेस रहेगा अपने पास। और जिसको भी अगर मंजा चाहिए वो जरा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और कोई भी इंक्वायरी करनी है मंजे की, मैसेज करो भाई, सारे मंजे अवेलेबल हो जाएंगे। मजा आ रहा भाई फाइटर से पेच करने में, है ना। मोनोकाइट फाइटर जिंदाबाद। तीन पेच हो गए हैं भाई। भाई कटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, अगर आपको पेच अच्छे से आते हैं। काइट फाइटिंग अगर आपको आती है और जी मोनोकाइट फाइटर से आप पेच लड़ रहे हैं तो पूरी जान लगा के मारो और ट्रिक से मारो भाई। सबसे इम्पोर्टेंट रहती है ट्रिक, आप कैसे पेच लड़ रहे हो, कैसे आप पतंग काट रहे हो बस। तो भैया जी पेच होने वाले लंबे लंबे, कटवाएगा बेटा तू यहीं अपने रोहित भाई पेच करते हुए।
आई बो, एक तो गई आई, ये तो आगे दूसरा वाला भी आ गया। ओ गई गई, दूसरी कट गई भाई, उसने काट दी तीसरी वाली ने। दो पतंग जा रही, एक तो ऊपर और एक नीचे। आई पो, बहुत मेहनत करवा रहा था। बनाई थी आई पो, क्या वाली पे आ गई, सब आएगी। कितने पेच हो गए, चार 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 पेच हो गए। लग गया तेरी भाई। आई पो, ऐसे कैसे काट दे बड़ी छत होने का ये तो फायदा। पकड़ लिया आगे किसने, पोंदी ने पकड़ ली, पोंदी ने भाई छत पे रहा पूरे छत पे खड़े रहते हैं पूरे दिन। संगम सिंह, हाँ तू जा सीधा घर में भाई। उसकी पतंग भी बहुत सेक्सी चल रही है तेरी, उसकी वजन में भी वेट हो रहा होगा, इतनी आगे बढ़ रही हो। हवा बदल गई एकदम से, सूर्य कटेंगे एक और। हाँ काटो, काइट फाइटर तोड़ नहीं बन जगह है। आई पो, ढील दे रहा, ढील घुमा रहा था, घुमा करती पता। अरे अपने नीचे मार दे लाल वाले के हाथ पे। आई पो, अड़ी बदंती सिद्धि माला।